हेलो फ्रेंड्स, ये नमन बॉस चैनल में आपका स्वागत है। बहुत काम आने वाले कमाल के अमेजिंग किचन कुकिंग हैक्स, आइए देखते हैं। नंबर वन, पोहा का मसाला तैयार करते समय आलू को बारीक काटकर इसमें थोड़ा सा नमक डालकर फ्राई करें। इसके आलू जल्दी फ्राई होंगे और पोहे का स्वाद भी बढ़ेगा। नंबर टू, पिज़्ज़ा का बेस बनाने के लिए मैदा ना इस्तेमाल करके मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें और पिज़्ज़ा नुकसान भी नहीं कर देगा, मैदा काफ़ी नुकसान करता है। नंबर थ्री, कटलेट बनाते समय उसमें ब्रेड क्रम्स की जगह ओट्स का इस्तेमाल करें, जो हेल्दी भी हो जाएंगे। नंबर फोर, अगर पोहा बनाने के बाद वह कुछ ही देर में सूखा और कड़क हो जाता है तो इसे बनाते समय इसमें कुछ चम्मच दूध की डाल दें। ऐसा करने से पोहा लंबे समय तक नरम बना रहेगा। नंबर फाइव, रात के बचे हुए चावल को गर्म करने पर अक्सर वह सूखे और कड़क हो जाते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो रात के बचे चावल को गर्म करने के लिए आप एक बर्तन में पानी गर्म कीजिए। गर्म पानी में चावल को कुछ सेकेंड के लिए डाल दीजिए और इसे छान लीजिए। फिर देखिए कि आपके चावल बिल्कुल ताज़े हो जाएंगे। नंबर सिक्स, या दाल बनाते वक्त प्रेशर कुकर के ढक्कन से बार बार पानी निकलता है और आसपास सब गंदा हो जाता है, तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। प्रेशर कुकर में दाल को उबालते रखते समय उसमें एक स्टील की छोटी कटोरी डाल दें। ऐसा करने से दाल उफनेगी नहीं और कुकर की सीटी से सिर्फ स्टीम ही निकलेगी। नंबर सेवन, अक्सर ऐसा होता है कि खाना बनाते समय कुकिंग ऑयल प्लेटफॉर्म पर ऊपर गिर जाता है। ऐसे में इसे साफ करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी चिकनाई आसानी से नहीं जाती है। इसके लिए आप तेल के ऊपर सूखा आटा डालें और इसे अच्छे तरीके से मलें। आप देखेंगे कुछ समय बाद आटा पूरा तेल सोख लेगा और उस जगह की चिकनाहट भी दूर हो जाएगी। नंबर एट, नॉनस्टिक बर्तनों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कभी भी स्टील की करछी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे उसकी कोटिंग निकलने लगती है। नॉनस्टिक बर्तनों में हमेशा लकड़ी की करछी का यूज करें, इससे उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है और वह ड्यूरेबल भी बना रहता है। तो नॉनस्टिक बर्तन को कभी भी स्टील के चमचे वगैरह का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर नाइन, गैस स्टोव के बर्नर को साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लेकिन इसे आप आसानी से घर पर साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी गर्म पानी में कुछ नींबू की रस की बूंदें और एक इनो का पैकेट डालें। अब इसमें 15 मिनट के लिए गैस के बर्नरों को ढककर रख दें। इसके बाद जब आप इसे निकालेंगे तो बर्नर पर लगी काली परत अपने आप ही निकलने लगेगी। इस समय इसे लिक्विड सोप और टूथब्रश की मदद से साफ़ कर लें। नंबर टेन, सिर्फ हरी मिर्च ही नहीं, लाल मिर्च से भी दही को आसानी से जमाया जा सकता है। आपके घर में अगर हरी मिर्च नहीं और लाल मिर्च है तो आप आराम से बिना जामन के दही जमा सकते हैं। लाल मिर्च से दही जमाने के लिए आपको सूखी लाल मिर्च चाहिए। लाल मिर्च को 7 से 8 घंटे के लिए गुनगुने दूध में डुबोकर किसी साफ और गर्म जगह पर रख दें। ऐसा करने से दही जम कर जाएगा। किचन के मसालों का अहम हिस्सा है तेज पत्ता, दाल चावल में आए कीड़ों को निकालने में बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इसकी खुशबू से कीड़े भागने लगते हैं। आप दाल चावल के डिब्बे में तेज पत्ते को रख दीजिए, इसमें कभी कीड़े नहीं लगेंगे और वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। नंबर 11, कंबल रजाई से आ रही बदबू ताजगी लाने के लिए करें यह छोटा सा काम, नहीं पड़ेगी महंगी ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत। सिरका का उपयोग, पानी में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें। अब इसे कंबल और रजाई पर अच्छी तरह छिड़क दें, फिर धूप में सूखने के लिए रख दें। सिरका दुर्गंध को खत्म करने का काम करेगा, क्योंकि रजाई और कंबल को जब हम धुल के भी रखते हैं तो और फिर निकालते हैं सर्दियों में, फिर भी उनमें थोड़ी बहुत स्मेल जो होती है धूप में सुखाने से भी नहीं जाती। आप इस स्प्रे से इसको दुर्गंध को दूर कर सकते हैं। नंबर 12, कितनी मिलावट है आपका देसी घी, करें पहचान। एक कटोरी में पानी लें। अब इसमें पानी में एक देसी चम्मच देसी घी डालकर मिला लें। असली घी पानी में तैरता हुआ दिखेगा, जो घी नकली होगा वो कटोरी के नीचे जाकर बैठ जाएगा। एक चम्मच देसी घी को अपनी हथेली पर रखकर 1 मिनट का वेट करें। शुद्ध घी तुरंत हथेली पर पिघलने लगेगा, वही नकली घी पिघलने में थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है। तो असली या नकली घी बाहर से अगर मार्केट से आप खरीदते हैं ऐसे कर सकते हैं पहचान। नंबर 13, दिवाली से पहले घर से बाहर कर दें ये 5 चीज़ें। माँ लक्ष्मी का होगा वास, दृढ़ता हो जाएगी खत्म। खराब लोहा, अगर आपके घर में खराब लोहा टूटे हुए लोहे के सामान पड़े हैं तो उन्हें भी हटा देना चाहिए। खंडित मूर्ति, घर पे देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। ऐसी मूर्तियों को दिवाली से पहले घर से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि का वास हो सके। पुराना या खराब फर्नीचर, दिवाली से पहले घर में रखे खराब या टूटे फूटे फर्नीचर को भी हटा देना चाहिए।
बंद घड़ी, घर में बंद घड़ी का होना समय की रुकावट और नकारात्मकता को दर्शाता है। टूटा हुआ शीशा, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ शीशा रखना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव डालती है। तो वीडियो को फुल देखें, ध्यान से सुने, एक एक चीज़ यहाँ पे समझने की है, बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं। नंबर 16, धर्म और वास्तुशास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के सामने जलाए गए दीपकों में एक दीपक घी का जरूर जलाएं। यह दीपक घी का हो और बाकी दियों से बड़ा हो, साथ ही यह चौमुखी हो, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 17, यदि आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो कलावे वाला घी का दीपक जलाएं, यानी कि रुई की बाती की जगह कलावे का उपयोग करें, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 18, दिवाली के दिन एक दीपक दक्षिण दिशा में जरूर जलाएं, इससे घर में नकारात्मकता नहीं रहती और धन संपत्ति बनी बढ़ती है। नंबर 19, स्ट्रेस की समस्या से परेशान हैं तो रोज़ाना खाना शुरू कर दें दही। आपको बता दें कि दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया मानसिक तनाव को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। टिप्स नंबर 20, फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घी वाले दूध का सेवन जोड़ों के दर्द को कम करने में कारगर माना जाता है। घी में मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड सूजन को कम करते हैं और जोड़ों को चिकनाई प्रदान करते हैं, जिससे दर्द में आराम मिलता है। दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 21, गुनगुने दूध में घी मिलाने से इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है। घी के एंटीऑक्सीडेंट गुण और दूध के पोषक तत्व शरीर को अंदर से ताकतवर बनाते हैं, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। 22, मूंग सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन इसका सेवन कुछ लोगों के लिए जहर साबित हो सकता है। आइए जानें किन लोगों को मूंग नहीं खानी चाहिए। किडनी स्टोन की समस्या से पीड़ित लोगों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मूंग की दाल में ऑक्सफ्लेट होता है जो किडनी में पथरी की समस्या पैदा कर सकता है। किडनी की समस्या वाले लोगों को मूंग से बचना चाहिए। हाई यूरिक एसिड के मरीजों को मूंग के सेवन से बचना चाहिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो शरीर में यूरिक एसिड की स्तर को बढ़ाता है। यूरिक एसिड के लिए आहार में कम प्यूरीन वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें। टिप्स नंबर 23, कॉफ़ी का हेयर मास्क बनाने के लिए एक कॉफ़ी चम्मच कॉफ़ी पाउडर को एक अंडे के साथ मिला लें। इस मास्क को बालों पर लगाकर 40 मिनट रखने के बाद धोकर हटा लें। कॉफ़ी का मास्क दो मुहे बालों से छुटकारा दिलाता है, बालों को मुलायम बनाता है। सो अलग तो बहुत ही अच्छा मास्क रहता है हमारे बालों के लिए, आपके बाल एकदम से शाइनी हो जाएंगे। टिप्स नंबर 24, मूली के साथ दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। एक्सपर्ट ने कहा है कि इन दोनों चीज़ों को साथ में सेवन करें पूरे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसकी वजह से कुछ लोगों में स्किन डिसीज देखने को मिलती है जो समय के साथ गंभीर होती जाती है। तो फिर वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप स्किप कर देते हैं, एक भी टिप्स आपकी समझ में नहीं आएगी। ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। 25, सफ़ेद कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोने से यह राहु के दोष दूर करने में मदद करता है। ऐसा करने से आपको बुरे सपने और मानसिक परेशानियां से छुटकारा मिलता है। इस उपाय से राहु का बुरा प्रभाव कम होता है। अगर आपको रात में सोने में दिक्कत होती है, ज़्यादा सपने वगैरह आते हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो करके देख सकते हैं। टिप्स नंबर 26 देख लेते हैं, रात में सोते समय सीने में दर्द महसूस होना हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो है। दरअसल धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है, जिसके कारण हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वीडियो में बताई गई जानकारी यूजफुल टिप्स काम आने वाली लगी हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।